हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीडीएस क्लासेस। दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर नंबर 7, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। फर्स्ट मेक श्योर कि आपने लेक्चर पार्ट और फर्स्ट पार्ट देख लिया है। यदि नहीं देखे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, पहले वो देखो फिर इसको देखना पार्ट सेकेंड को, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी अच्छी हो सके। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। देखो 7 क्या है, थोड़ा सा भी हड़बड़ाना नहीं है आपको, ये सब क्वेश्चन देख के बहुत ईजी है, ठीक है, घबराना तो बिल्कुल नहीं है। अब एक्स यहाँ पर है, एक्स यहाँ पर है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म यहाँ है, कांस्टेंट टर्म यहाँ है। एक काम करते हैं, इस एक्स को हम इधर लेके चले आते हैं, ठीक है। तो 2x ये माइनस था, इक्वल टू को पार करेगा, इक्वल टू को पार करेगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस एक्स। अब इस तरफ क्या था, माइनस 1/5। अब ये देखिए माइनस 3 है, इसको भी तो उधर लेके जाना होगा, ये भी तो कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म के साथ ही ना हम इसको रखेंगे। तो माइनस 1/3 है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 1/3। यहाँ तक क्लियर हो गया? आप समझ लीजिए, वेरिएबल किसे कहते हैं जिसके साथ ए बी सी डी ई एफ जी एच हो, जिसका वैल्यू चेंज हो, और कांस्टेंट उसे कहते हैं जिसका वैल्यू कभी चेंज ना हो, ठीक है। अब देखिए 2x 3x हो गया, क्योंकि 2x यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 1 3x हो गया इक्वल टू। अब 5 और 3 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा 5 और 3 का एलसीएम, क्योंकि ये तो किसी के टेबल में आता नहीं है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए 5 3 15, इसको इससे डिवाइड कीजिए, 5 के टेबल में 15 कितने बार में आता है, 3 बार में, और जितना आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 1 3, फिर प्लस का साइन है, प्लस दे देंगे, तो 3 के टेबल में 15 कितने बार में आता है, 5 बार में, तो 5 1 क्या होता है, 5। यहाँ तक क्लियर हो गया आप? अब देखिए 3x = 5 और 3 8/15। अब देखिए ये 15 है ना, इसको हम इधर लेके चले जाएंगे, अभी डिवाइड में है, इधर जाएगा तो क्या चीज़ हो जाएगा, मल्टीप्लाई। नहीं तो बस आप थोड़ा सा बस वेट कीजिए, ट्विस्ट देखिए, हम लोग 3 × x को 3x को लिख सकते हैं 3 × x/15। यहाँ तक क्लियर है? अब उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, 3 मल्टीप्लाई में है, अब इक्वल टू इधर लाएंगे तो डिवाइड में होएगा, तो डिवाइड कहाँ रहता है, नीचे रहता है, अभी 3 मल्टीप्लाई में ना, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा ना, तो डिवाइड ऊपर में तो नहीं रहता, रहता है तो नीचे में रहता है, तो इसको 3 कर दिए। अब देखिए तो x = क्या हो गया, 8 5 3 15 3 45, x = 8/45 आया। अब हम इसको वेरीफाई करके देखते हैं कि यह आंसर सही है या नहीं है, चेक करके देखते हैं। तो चेक CHECK के चेक करते हैं, क्वेश्चन है मेरा 2x - 1/3 = 1/5 - x, ठीक है, एकदम टेंशन नहीं लेना है आपको। x के जगह पे x का वैल्यू क्या है, 8/45, हम 8/45 रख देंगे, -1/3 = 1/5 - 8/45। यहाँ तक क्लियर है? तो 8 3 कितना, 8 2 16, ठीक है, -1/3 = 1/5 - 8/45। अब देखिए 45 और 3 का एलसीएम लेते हैं कितना हो जाता है, तो 3 बार से करते हैं तो 3 1 3 3 5 15 और 1, ठीक है, तो क्या बचा, 15 × 3 × 1, तो क्या हो जाएगा, 45 ही हो जाएगा, इसका एलसीएम क्या हो गया, 45 का एलसीएम हम लेके देखते हैं। तो 5 1 5, अब 5 9 45, देन 5 × 9 = 45, इसका भी एलसीएम क्या आ गया, 45। देखिए 45 को 45 के टेबल में 45 कितने बार में आता है, 1 बार में, डिवाइड करके देखो तो 1 आएगा, और 1 को 16 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 16 ही हो जाएगा। 3 से 45 को डिवाइड कर दो, 3 1 3 3 5 15, आपका 15 आया, आया ना आपका 15। अब 15 को आप 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 15 ही हो जाएगा, ये रफ है। अब इधर आ जाते हैं हम लोग, 5 9 45 और 9 1 9, माइनस 45 1 45 और 1 8 8। अब देखिए 16 में 15 सेपरेट करोगे तो क्या होगा, 1/45, अब इक्वल टू 9 में 1 9 में 8 करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, 1/45। देखिए इक्वल टू आ गया,
LHS इक्वल टू RHS। अब आपको टेंशन नहीं लेना है, इसी तरीके के क्वेश्चन को सेम इसी तरीके से सॉल्यूशन कर देना है, बहुत इजी है, उतना आपको नहीं सोचना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करके देखते हैं हम लोग क्या होता है। वन बाय टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू फाइव प्लस वन बाय थ्री एक्स, यहाँ तक है। क्वेश्चन क्या है, हाफ एक्स माइनस थ्री इक्वल टू फाइव प्लस वन बाय थ्री एक्स। इसमें भी वही करेंगे हम लोग, वेरिएबल को एक तरफ करेंगे और कांस्टेंट को एक तरफ करेंगे। तो वन बाय टू एक्स, ठीक है, अब वेरिएबल ये है प्लस में है तो इक्वल टू के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो माइनस वन बाय थ्री एक्स इक्वल टू, ये फाइव है तो फाइव लिख दिए, अब माइनस थ्री है तो ये इधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस थ्री, प्लस थ्री, यहाँ तक क्लियर है। अब थ्री और टू का जो एलसीएम है, देखिए बच्चे सोचते हैं ना कि एक्स सर कहाँ है, तो एक्स जो होता है वो न्यूमरेटर पे ही लिखा जाता है, डिनोमिनेटर में नहीं लिखा जाता। तो टू और थ्री का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा सिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब टू थ्री जा सिक्स, टू थ्री जा सिक्स तो थ्री वन जा थ्री और एक्स है तो एक्स दे देंगे, थ्री टू जा सिक्स टू वन जा टू एक्स है तो एक्स दे देंगे इक्वल टू फाइव और थ्री क्या होता है एट। अब देखिए थ्री में टू एक्स कर, थ्री में टू सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा एक्स बाय सिक्स इक्वल टू एट, देन एक्स इक्वल टू एट डिवाइड में था सिक्स उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई सिक्स, देन एक्स इक्वल टू फोर्टी, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, अब आप देखिए हम चेक करेंगे, अब एक्स का वैल्यू रख देते हैं हम, वन बाय टू इंटू फोर्टी एट माइनस थ्री इजकल टू फाइव प्लस वन बाय थ्री इंटू फोर्टी एट, तो टू टू ज़ा फोर ट्वेंटी फोर हो गया, ये ट्वेंटी फोर वन ज़ा ट्वेंटी फोर माइनस थ्री इजकल टू फाइव प्लस थ्री वन ज़ा थ्री, थ्री सिक्स ज़ा एटीन, देन ये क्या हो जाएगा सिक्सटीन, ट्वेंटी फोर में थ्री सब्ट्रैक्ट करेंगे ट्वेंटी वन, फिफ्टीन में सिक्स फाइव सिक्सटीन में फाइव ऐड कर देंगे ट्वेंटी वन, तो आप देख सकते हैं एल एच एस इजकल टू आर एच एस, दैट मीन मेरा जो आंसर है एक्स इजकल टू फोर्टी एट वो करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नाइन क्या है, देखिए एक्स बाय टू प्लस एक्स बाय फोर इजकल टू वन बाय एट, ठीक है। तो अब तो वेरिएबल मेरा दोनों इस तरफ ही है, इधर तो वेरिएबल है नहीं जो इसको लेके जा सकते हैं, नहीं लेके जा सकते, तो एक काम करते हैं दोनों का एलसीएम लेके इस दोनों को सॉल्व कर देते हैं यहीं पे, ठीक है। तब टू और फोर का जब हम एलसीएम लेंगे, टू वन जा टू 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 ज़ा फोर, दैट मीन टू इंटू टू इजकल टू फोर ही आ जाएगा फोर। अब देखिए टू 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 फोर कितने बार में आता है टू के टेबल में, टू बार में, टू टू ज़ा फोर एंड टू आया हम लोग के पास, टू को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू एक्स हो जाएगा प्लस फोर वन जा फोर वन बार में एंड वन को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन एक्स मतलब एक्स ही हो जाएगा, चाहे आप वन एक्स भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, वन बाय एट। अब देखिए टू एक्स और प्लस वन एक्स तो क्या हो जाएगा ये थ्री एक्स बाय फोर इजकल टू वन बाय एट, ठीक है। अब देखिए ये डिवाइड में है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखिए फोर वन जा फोर फोर टू जा एट, ठीक है। ये टू जो है ये डिनोमिनेटर में है, इसका ध्यान रखिएगा हमेशा ऑलवेज आप लोग, क्यों नहीं कि इसको ऊपर लिख दीजिएगा, नहीं एट कहाँ था डिनोमिनेटर में था, जो इसका सॉल्यूशन होगा तो डिनोमिनेटर में ही होगा, वही चीज थ्री एक्स इजकल टू वन बाय टू। अब यहाँ पर बात आ रही है, अब थ्री और एक्स क्या है मल्टीप्लाई में है, तो एक्स थ्री को उधर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा वन बाय टू, ऑलरेडी टू डिवाइड में था तो थ्री भी डिवाइड में आ जाएगा तो एक्स इक्वल टू वन बाय सिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको वेरीफाई करके देखते हैं क्या ये आंसर सही है या फिर नहीं है। इक्वेशन क्या है मेरे पास, चेक इक्वेशन है एक्स बाय टू प्लस एक्स बाय फोर इक्वल टू वन बाय एट, इसको हम सिंपल वे में लिखते हैं तो एक्स डिवाइड टू लिख सकते हैं हम लोग ना, एक्स डिवाइड टू लिख सकते हैं या नहीं, फिर एक्स डिवाइड फोर लिख सकते हैं या नहीं, इक्वल टू वन बाई एट लिख सकते हैं,
अब x का वैल्यू कितना लाए थे हम लोग, 1/6। अब हम यहाँ पर रखते हैं 1/6। ठीक है, यहाँ पर रख दिए 1/6 डिवाइड 2 प्लस 1/6 डिवाइड 4 इक्वल टू 1/8। अब हम इसको यहाँ पर लिखते हैं, बस मैं थोड़ा सा नेक्स्ट पेज में लिख दे रहा हूँ कि ये इक्वेशन आप लोग ना भूलें। ठीक है, हाँ देखिए, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो 1/6 अब मल्टीप्लाई करूँगा तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये 1/2 हो जाएगा, प्लस 1/6 यदि मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/4 इक्वल टू 1/8। उसके बाद देखिए 1/12 प्लस 1/24 इक्वल टू 1/8। अब 12 और 24 का जब एलसीएम लेंगे तो 24 ही आएगा, आप लोग एक बार अपनी संतुष्टि के लिए ले सकते हो सर्टिफिकेशन के लिए। 2 6 12, 2 12 24, 2 3 6, 2 4 12, 4 3 12, 12 2 24, एंड 24 2 48। ठीक है, तो कितना आ गया 48। 12 4 4 1 4 प्लस 12 4 48, 4 1 4, एंड 24 2 48, और 2 1 2 इक्वल टू 1/8। दैट मीन 4 2 6, 2 4 2 6 बाय 48 इक्वल टू 1/8। देन 6 1 6, 6 8 48, दैट मीन 1/8 इक्वल टू 1/8 LHS इक्वल टू RHS। ठीक है यहाँ तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है, 3x + 2x + 2 अंडर ब्रैकेट इक्वल टू 20 - 2x - 5। ठीक है, तो ये भी बहुत इजी है, 3x+। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर जो चीज़ रहता है उससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट को रिमूव करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। तो 2 और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस है तो प्लस दे दिए, 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। ठीक है, इक्वल टू ये 20 है, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस 2x एंड माइनस माइनस प्लस 5। ठीक है, आप लोग इस चीज़ को समझिए, ब्रैकेट के पहले माइनस था, इसलिए हम लोगों ने माइनस से ही सबको मल्टीप्लाई किया, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस 5। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए 3x और 2x, 5x प्लस 4 इक्वल टू 20 + 5, तो 25 - 2x। यहाँ तक क्लियर है। अब आप देखिए ये x को इधर लेके चले आते हैं क्योंकि x का प्लेस इधर है, और ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको उधर लेके चले जाते हैं क्योंकि इसका प्लेस इधर है। तो 5x ये -2x है तो इधर आएगा तो +2x हो जाएगा, और ये 25 है ये +4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4। तो 7x इक्वल टू 21 हो गया, 25 - 4 = 21, और 5 + 2 = 7। दैट मीन x इक्वल टू 7 अभी मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, देन x इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, 3। अब हम लोग इसको चेक करके देखते हैं क्या ये सही है या फिर x का वैल्यू कितना है, 3 है, तो हम बस इसको पुट कर देंगे यहाँ पे, 2x + 2 इक्वल टू 20 - 2x - 5। x का वैल्यू कितना था, 3 था, अब हम 3 हर एक जगह पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम लोग क्या पुट करेंगे, 3। चलिए 3 3 9 +2 ब्रैकेट हट जाएगा मल्टीप्लाई, 3 और 2 5। यहाँ तक क्लियर है, इक्वल टू 20 माइनस, देखिए 3 2 6 -5। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए 9 + 5 2 10 इक्वल टू 20 माइनस 6 में 5 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा क्या हो जाएगा, 1, ब्रैकेट ख़त्म हो गया। 10 और 9 कितना हो जाएगा, 19,
और 20 माइनस 1 कितना हो जाएगा 90, तो LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 11, ठीक है। तो बहुत इजी प्रोसेस है, इसको बनाएंगे हम लोग। पहले हम लोग इसके ब्रैकेट, जो क्लोज ब्रैकेट है, इसको ओपन कर देंगे, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यदि कोई भी ब्रैकेट है, यदि मान के चलिए a प्लस बी, a माइनस बी है, और बाहर में हमको दे दिया है c, तो इस ब्रैकेट को रिमूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ca, ठीक है। फिर माइनस का साइन है तो माइनस, फिर क्या करेंगे हम लोग सी बी, मतलब कि इसको इससे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो साइन होगा दे देंगे, और इसको इससे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाकर मेरा ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा। तो उसी तरीके से इसको करेंगे, हमको इसका ब्रैकेट को हटाना है, तो पहले हम इससे इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 13 को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13y हो जाएगा, माइनस है तो माइनस दे देंगे, एंड 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 52, क्लियर है। अब ये ब्रैकेट ख़त्म हो गया, मतलब ओपन हो गया, क्लोज था। तो अब ये माइनस 3 है तो माइनस दे देंगे यहाँ पर, 3 और y तो क्या हो जाएगा 3y, 3 और y को मल्टीप्लाई करेंगे 3y हो जाएगा, एंड माइनस, देखिए माइनस माइनस को भी आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। 9 एंड 3 कितना हो जाएगा, 9 3 से 27, ऐसे देखिए माइनस 3y, माइनस 3 था और y था, तो माइनस 3y आ गया। अब देखिए माइनस 3 और माइनस 9, माइनस 3 इंटू माइनस 9 तो क्या हो गया प्लस 27 होगा, तो प्लस 27 दिए। अब बोले माइनस 5 इंटू वाई तो माइनस 5y, ठीक है, माइनस एंड प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस एंड 5 4 20। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। उसके बाद हम लोग ना y को लाइक टर्म को एक कर देंगे पहले, जैसे 13y माइनस 3y माइनस 5y, फिर ये अब कांस्टेंट को अलग कर देंगे, माइनस 52 प्लस 27 माइनस 20, कांस्टेंट अलग कर दिए और वेरिएबल को अलग कर दिए। अब देखिए 13y को लिख देते हैं, माइनस 3 माइनस 5 तो माइनस 8y हो जाएगा। हम y को, मतलब वेरिएबल जिसका सेम रहेगा उसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, चाहे माइनस करें चाहे प्लस करें, कोई भी ऑपरेशन। तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, देन 5 और 3 क्या हो जाएगा 8y, देन अब देखिए माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, देन 52 और 20, यहाँ कीजिए 52 22, कितना आ गया 72, देन माइनस 72 होगा क्योंकि माइनस से माइनस में, इसीलिए प्लस 27 इजकल टू 0, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए 13 में आप 8 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 5y आएगा। अब 72 में आप 27 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 72 माइनस 27 तो देखिए कितना आ जाएगा, 2 में 7 तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, 12 में 7 करेंगे तो 5 हो जाएगा ना, और यहाँ क्या बचा 6, 6 में 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए कितना बचा 4, देन 45 आएगा, और साइन किसका बड़ा है 72 का, माइनस का, तो यहाँ माइनस दे देंगे इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आगे देखिए आप, ये माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, देन 0 प्लस 45, देन 5y इक्वल टू 45। अब देखिए 5 और y मल्टीप्लाई में है तो 5 को हम इक्वल टू के इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, देन y इक्वल टू 9, क्लियर हो गया यहाँ तक। y कितना आया मेरे पास 9 आ गया। अब हम लोग इसको चेकआउट करते हैं, क्या ये सही है या गलत। अब हम लोग इसको चेक करेंगे, क्या वाई इजकल टू 9 जो है वो सही है या गलत है, तो चेक। क्वेश्चन क्या है, 13y माइनस 4 माइनस 3y माइनस 9 माइनस 5y प्लस 4 इजकल टू 0, ठीक है। तो y कितना आया था मेरे पास 9, हम तो 9 रख देंगे सब जगह, जहाँ जहाँ y है बस हम लोग क्या करेंगे 9 रख देंगे, ठीक है। एंड 13 इंटू कितना हो गया 9 में आप 9 में 4 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए कितना आ जाएगा 5, देन माइनस 3, 9 में 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई विद 0, देन 5 इंटू 13 आ जाएगा, 9 और प्लस 4 13 इजकल टू 0, देन 13 सॉरी नहीं दिखा होगा आपको, 13 इंटू 5
तो 65, देन माइनस 3 इंटू 0 तो क्या हो जाएगा 0, देन माइनस 13 इंटू 5 कितना हो जाएगा 65 इक्वल टू 0, देन 65 प्लस माइनस में ये प्लस में और ये माइनस 65 क्या हो जाएगा 0, देन 0 इक्वल टू 0, दैट मीन LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड।